दोस्तों द वेट इज ओवर, फाइनली आपको नोकिया की तरफ से देखने को मिलेगा नोकिया मैजिक मैक्स प्रो 5G। इसका ऑफिशियली लॉन्च डेट, प्राइस, स्पेक्स सब कुछ निकल के सामने आ चुका है। इसी के बारे में सारा कुछ इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर ले तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये एक बॉक्सी डिजाइन के साथ में ग्लॉसी बैक के साथ में एक डिफरेंट सा लुक में आपको देखने को मिल रहा है। तो डिजाइन वाइज मुझे काफी अच्छा लगा, आप लोग को कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करिएगा। वही अगर डिस्प्ले के बारे में बात कर ले तो आपको देखने को मिलेगा 6.67 इंचेस का एक एमोलेड 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक सेंटर पंच होल डिस्प्ले। जी हां दोस्तों, डिस्प्ले भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको देखने को मिल जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 14 के साथ में देखने को मिलेगा। आगे चल के आपको 4 ओएस के अपडेट, 5 साल तक सिक्योरिटी पेच के अपडेट देखने को मिलेंगे और ये क्लीन यूआई के साथ में स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में आपको देखने को मिलेगा। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ले तो आपको देखने को मिल सकता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का एक पावरफुल 5G प्रोसेसर, जो कि मेरे हिसाब से काफी तगड़ा आपको प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। वही अगर कैमरास के बारे में बात कर ले तो रियर साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिल जाएगा, 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा देखने को मिल जाएगा, 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ देखने को मिल जाएगा। वही फ्रंट कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, डॉल्बी एटमॉस तक का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको 3.5 mm हेडफोन जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। वही अगर रैम और रोम के बारे में बात कर ले तो अप टू 256 GB वाला वेरियंट आपको देखने को मिलेगा, 12 GB रैम वाला वेरियंट तक आपको देखने को मिल जाएगा। वही अगर बैटरी के बारे में बात कर ले तो आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। बॉक्स के साथ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 67 W का चार्जर भी देखने को मिल जाए। ये था पूरा दोस्तों नोकिया मैजिक मैक्स प्रो का स्पेक्स। अभी बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में और लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों देखिए ये लिस्ट निकल के सामने आ रहा है कि आपको ये जून जुलाई तक में इंडिया में देखने को मिल सकता है, और रही बात इसकी प्राइसिंग के बारे में तो ये आपको 29999 तक में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा आप लोग को कैसा लगा ये नोकिया का नया 5G स्मार्टफोन।